सकरदरा थाने में आत्महत्या का प्रयास किया गया है। आपराधिक प्रवृत्ति के एक युवक ने खुद को आग लगा ली, लेकिन उसे बचा लिया गया है। इस घटना से थाने में हड़कंप मच गया था। युवक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार किया गया है। शुक्रवार को उसे अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया। भांडे प्लॉट निवासी सोनू राजकुमार दांडेकर उम्र 32 साल आपराधिक प्रवृत्ति का है। उसके खिलाफ लगभग 14 आपराधिक प्रकरण दर्ज है। होली उत्सव के दौरान धारा 392 के मामले में उसे गिरफ्तार किया गया। इस कार्रवाई के दौरान सकरदरा पुलिस ने उसका मोबाइल जब्त कर लिया था। जमानत पर छूट कराने के बाद सोनू गुरुवार को रात करीब 7:45 से 8 के बीच नशा कर सकरदरा थाने पहुंचा। वह पहले से ही खुद पर केरोसिन छिड़क कर आया था। उसने थाने में मौजूद पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को अपना जब्त किया गया मोबाइल मांगा। चूंकि उसके कपड़ों से केरोसिन की बू आ रही थी, तो पुलिस ने उसे समझा बुझा कर शांत किया, लेकिन सोनू थाने में उपद्रव मचाने लगा। जोर जोर से चिल्लाते हुए अपना मोबाइल वापस मांगने लगा। इसी बीच उसने जेब से माचिस निकाली और खुद को आग लगा ली। तर परवाच्या दिवशी त्याने संध्याकाळच्या वेळी पोलीस स्टेशनला तो अंगावर रॉकेल सारखा काय द्रव पदार्थ घेऊन आलेला होता। त्याच्या कपड्यात वास येत होता आणि द्वारात येऊन आरडाओरड करू लागला की माझ्या मोबाईल तुम्ही गुन्ह्यामध्ये का जप्त केला आणि तो मला परत द्या, अशा स्वरूपात त्याने मागणी त्याच्या मोबाईलची करू लागला। त्याला व्यवस्थित समजावून सांगत असताना त्याला व्यवस्थित बसवला आणि त्याचं समजावून सांगितलं असताना त्याने त्याच्या खिशात कुठंतरी लपवलेली काडेपेटी काढून त्याने त्याच्या काडेपेटीच्या सहाय्याने स्वतःला पेटवण्याचा प्रयत्न केला। परंतु तिथेच आमची गार्डवर असणाऱ्या महिला अंमलदार आहेत आरती शुक्ला म्हणून, त्यांनी ताबडतोब ॲक्शन घेऊन त्याच्या ते जे आग लावण्याचा प्रयत्न केला होता ती पटक्यात विजवली, त्यामुळे पुढचा गंभीर प्रकार टळलेला आहे। तो बाहेरूनच आला होता तो रॉकेल टाकून, आणि आल्याबरोबर तो आरडाओरडा करू लागला। सगळ्या लोकांनी त्याला आवरलं पहिले, त्याच्यानंतर मग तो बसला तिथे खाली। त्याच्यानंतर त्यांनी स्वतः बसून पहिले त्यांनी झडतीवरती घेतली होती आम्ही सगळी, पण त्याच्यात त्याच्या माचिस्टर ते डब्या निघाल्या होत्या, ते ठेवल्या बाजूला। त्याच्यानंतर त्याला शांत केलं, बसवलं की हो तुझं जे काय काम आहे तू सांग आरामात, आम्ही ऐकत आहोत। त्याला बसवलं, त्याच्यात ते थोड्या वेळात आम्ही आमची कामं करत होतो, तर त्याच्यात त्यांनी आगपेटी कुठून काढली आणि ते स्वतः लावून घेतो त्यांनी। आम्ही लगेच मी पाहिलं तसंच हाताने त्याला विझवलं पटकन जवळ। सोनू के कपड़ों में लगी आग को किसी तरह मौजूद पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने बुझाया और उसे तुरंत अस्पताल ले गए। प्राथमिक उपचार के बाद सोनू को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, जिसके बाद सोनू के खिलाफ आत्महत्या करने का प्रयास करने के बाद मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया है और उसे शुक्रवार को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया। इस घटना से थाने में कुछ समय के लिए हड़कंप मचा रहा। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN News, नागपुर। We'll be right back.